कल दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के द्वारा लिखे गए लेटर का रिप्लाई देते हुए एलजी और बीजेपी दोनों की पूरी पोल पट्टी खोल दी। 3 बार चुनाव जीते हैं, आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्ली वालों के लिए। और एलजी के उस लेटर का रिप्लाई देते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कैसे दिल्ली की बसेज में बस मास्टर्स की नियुक्ति को कैंसिल किया गया, बस मास्टर्स हटाए गए, उनकी सैलरी रोकी गई और बार बार कहने के बाद भी बस मास्टर्स की नियुक्ति नहीं की गई। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मैंने, मेरे को याद है, जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको। मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी तीन, एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और इसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में बिजली काटी गई, टेस्ट बंद कराए गए, डॉक्टर की सैलरी रोकी गई और जो अस्पतालों में डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं कैसे उन लोगों की नियुक्ति को कैंसिल कर दिया गया। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई, बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022, एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले, क्या कारण था भाई? आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी को वोट बढ़ाने थे, वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जैसे ही दिल्ली में चुनाव आते हैं, चाहे एमसीडी के हों चाहे विधानसभा के, बीजेपी अपने काले कारनामे करना शुरू कर देती है। जैसे एमसीडी चुनाव से कुछ महीने पहले तक सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही एमसीडी चुनाव की डेट अनाउंस होती है, एमसीडी चुनाव की डेट नज़दीक आती है, तो उस दौरान एलजी साहब अचानक से अस्पतालों से डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटा देते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक देते हैं, पेंशन रोक देते हैं, फरिश्ते स्कीम में रोक लगा देते हैं, डॉक्टरों की सैलरी रोक देते हैं, जिससे दिल्ली की जनता को परेशान किया जा सके और दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के खिलाफ भड़काया जा सके। कि अब दिल्ली के अंदर जो चालू चीजें हैं, सर्विसेज हैं, दिल्ली के लोगों की जो दिल्ली की लाइफलाइंस हैं, मूलभूत जी जरूरतें हैं, उनको बंद किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। और वो ट्रेंड बन गया, बंद करते हैं फिर बीजेपी वाले हमारे को गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा, करवाते ही हैं।